हार्ट एजेंसी का चीफ जेम्स अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। यस, चीफ जेम्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करें। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअत्तबाना आवाज सुनाई थी तो जेम्स बेख्तियार चौंक पड़ा। यस, क्राउबाद, जेम्स ने कहा। हेलो, चल्ला मोबाद, दूसरी तरफ से भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई थी। यस सर, मैं जेम्स बोल रहा हूँ जनाब, जेम्स ने मुअत्तबाना लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि ग्रेट लैंड में असल हकमियत ब्यूरोक्रेट्स की होती है और चीफ सेक्रेटरी पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के हेड है। उनके मुंह से या कलम से निकला हुआ एक लफ्ज भी बेहद अहमियत रखता है। आपके सुपर एजेंट्स जिन्हें आपने पाकिस्तान भिजवाया था खुफिया मिसाइल लेबोरेटरी को तबाह करने की गर्ज से, वो वहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, क्यों? चीफ सेक्रेटरी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। यस सर, इस मिशन पर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हार्ड एजेंसी के सुपर एजेंट्स की सलाहियतों को तो आप भी जानते हैं, जेम्स ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें उन्होंने वहां जाने के बाद कोई रिपोर्ट नहीं दी? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। रब्ता तो होता रहता है, लेकिन अभी चूंकि मिशन मुकम्मल नहीं हुआ इसलिए तफसीली रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की जा सकती। लेकिन जनाब, आप इस अंदाज में क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई खास बात है जनाब? जेम्स ने आखिरकार वो अल्फाज कह ही दिए जो उसने अब तक रोक रखे थे। चीफ जेम्स, आपने जो टीम पाकिस्तान भिजवाई है क्या उसमें एडन और टोनी नाम के दो अफराद भी शामिल है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो चीफ जेम्स बेख्तियार उछल पड़ा। यस सर, आप क्यों पूछ रहे हैं सर, आपको कैसे इल्म हुआ? जेम्स ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। मुझे सरकारी खुदों से जराये से रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके पहाड़पुर से दो ग्रेटलैंड नजाद अफराद की लाशें मिली है और जहाँ से ये लाशें मिली है वहीं से तबाहशुदा एक बड़ी जीप और दो मकामी अफराद की लाशें भी मिली है। ये तमाम लाशें पहाड़पुर के मकामी थाने में मौजूद है। ग्रेट लैंड सिफारत खाने के जिम्मेदार उन दोनों लाशों को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन दोनों की जेबों से हार्ट एजेंसी के कोर्ट कार्ड मिले हैं और एक मकामी लाश को पाकिस्तान के सीनियर साइंसदान की हैसियत से शनाख्त कर लिया गया है। इन सब बातों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों आपके भेजे हुए ग्रुप के अरकान थे। आप मुझे बताएं कि आपने कितने अफराद का ग्रुप भिजवाया था? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। एडन और टोनी के साथ बाटले और उसकी बीवी पामेला भी शामिल थी, जेम्स ने बेख्तियार होंठ काटते हुए कहा। वो दोनों यकीनन जिंदा उनके हाथ लग गए होंगे और उनसे सब कुछ उगलवा लिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारे हेडक्वार्टर और तुम्हारे ग्रुप के बाकी अफराद सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी ने कदरे सख्त लहजे में कहा। आपने जो कुछ बताया है वो वाकई दुरुस्त है, लेकिन आप इस बात पर इतना परेशान क्यों है? एजेंट्स की जिंदगी में ऐसे खेल तमाशे हर वक्त होते रहते हैं। जहाँ तक हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर का ताल्लुक है तो सहराए गाबी में कायम करता हेडक्वार्टर तक कोई इंसान पहुँच ही नहीं सकता, जेम्स ने इस बार खुलकर और कदरे सख्त लहजे में कहा। मिस्टर जेम्स, सहराए गाबी में सिर्फ आपकी एजेंसी का हेडक्वार्टर ही नहीं है बल्कि वहाँ ग्रेट लैंड का ग्रेट एटॉमिक सिस्टम भी काम कर रहा है। गो पूरे सहराए गाबी की खुसूसी सैटेलाइट्स के जरिए हर वक्त और हर लम्हे चेकिंग की जाती है और पूरे सहराए गाबी में पहली हुए रेत के एक एक जर्रे को भी मुसलसल चेक किया जाता है। यही वजह है कि 10 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद ये एटॉमिक सिस्टम न सिर्फ काम कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया पर उसका रौब तारी है, क्योंकि हमारा एटॉमिक सेक्शन इस बारे में ऐसी तस्वीर और मालूमात खुफिया तौर पर शाया करता रहता है। लेकिन अब तुम्हारी एजेंसी की नाकिस कारकर्दगी ने हमारे लिए खतरे की घंटी बजाती है। तुमने पाकिस्तान में पारस लेबोरेटरी के खिलाफ काम किया लेकिन उल्टा तुम्हारी एजेंसी के एजेंट्स हलाक कर दिए गए हैं और अब यकीनन बजाहिर अहमक नजर आने वाला इमरान तुम्हारे हेडक्वार्टर पर चढ़ दौड़ेगा और तुम्हारे हेडक्वार्टर के साथ साथ एटॉमिक सिस्टम भी खतरे की जद में आ जाएगा, चीफ सेक्रेटरी ने मुसलसल बोलते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे, हार्ट एजेंसी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हमारे मुकाबले में ऐसे है जैसे शेर के सामने चूहा। अव्वल तो बाटले और पामेला की लाशें नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो लाजमन काम कर रहे होंगे, और अगर वो खत्म भी हो गए तो इसका ये मतलब नहीं हार्ट एजेंसी नाकारा या फेल हो गई, जेम्स ने गुस्से में आते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। आप इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल करके रिपोर्ट मुझे भिजवा दे ताकि आला सतह की मीटिंग में आपकी रिपोर्ट को डिस्कस किया जा सके, फिर जो फैसला किया जाएगा उससे आपको भी आगाह कर दिया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया तो जेम्स ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। नॉनसेंस, न जाने इतने बड़े ओहदों पर बुजदिल लोग क्यों बिठा दिए जाते हैं, जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे फोन की घंटी दोबारा बज उठी तो जेम्स चौंक पड़ा और उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, जेम्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। पाकिस्तान से मिस्टर प्राउड का फोन है चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। ओ जल्दी बात कराओ,
जेम्स ने तेज लहजे में कहा, हेलो सर, मैं पाकिशा से प्राउड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दबाना था। यस मिस्टर प्राउड, कहो तुम्हें बाटलर और उसके साथियों के बारे में मालूमात मिल चुकी है या नहीं? जेम्स ने तेज लहजे में कहा, यस सर। पहाड़पुर पुलिस स्टेशन का अमला जनरल चेकिंग के लिए जब पहाड़ों के अंदर पहुंचा तो उन्हें वहां दो लाशें पड़ी दिखाई थी। लाशें मिलने पर इधर उधर चेकिंग की गई तो दो मकामी अफराद की लाशें भी गहराइयों से मिली। एक नई और ताकतवर जीप भी एक खाई में पड़ी मिली और बावजूद सख्त तरीन चेकिंग के मजीद वहाँ कुछ न मिला। ये तिला मुझे भी मिल गई। मैं वहाँ गया तो मैंने तीन अफराद को शिनाख्त कर लिया। उनमें से दो बाटले के साथी एडन और टोनी थे, जबकि तीसरी लाश मारूफ साइंसदान डॉक्टर जफर की थी। पुलिस ने ग्रेट लैंड सिफारत खाने को इत्तला दी और अब लाशें पुलिस स्टेशन से सिफारत खाने पहुंच चुकी हैं, जबकि डॉक्टर जफर की लाश उसके वारिसान के हवाले कर दी गई। अलबत्ता चौथी लाश एक मकामी आदमी की है, उसकी शिनाख्त भी हो गई है। वो विजारत साइंस के तहत ड्राइवर था। दूसरी तरफ से मिस्टर प्राउड ने तफसील बताते हुए कहा, ये कहानी तो मैंने भी सुन रखी है। मुझे ये बताओ कि बाटले और पामेला कहाँ है? जो मर गए सो मर गए, मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। जो जिंदा है उनके बारे में बताओ। जेम्स ने सख्त और तेज लहजे में कहा, उनका बावजूद कोशिश के अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। मिस्टर प्राउड ने कहा, ओके फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जेम्स ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठने लगा था कि फिर बैठ गया। उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट करके तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस वार्ड लिंक। रब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। हार्ट एजेंसी का चीफ जेम्स बोल रहा हूँ, जॉनसन से बात कराए। जेम्स ने कहा, ओ आप होल्ड करें। दूसरी तरफ से चौंककर कहा गया, हेलो जॉनसन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जॉनसन, बाटले और उसकी बीवी पामेला दोनों पाकिशा के पहाड़ी इलाके जिसे पहाड़पुर कहा जाता है में जाकर गायब हो गए हैं, जबकि उनके दो साथियों एडन और टोनी की लाशें मिली है। हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट्स वर्ल्ड लीग में शामिल है। तुम मालूम करके मुझे बताओ कि ये दोनों जिंदा भी हैं या नहीं। जेम्स ने कहा, ओके मैं मालूम करके तुम्हें खुद इत्तला देता हूँ। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा तो जेम्स ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन नेस्ट घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो जेम्स ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, जेम्स ने अपने मकसूद लहजे में कहा, वर्ल्ड लिंक के जॉनसन बात करना चाहते हैं जी। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। क्राउ बात, जेम्स ने कहा, हेलो चीफ जेम्स, जॉनसन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से जॉनसन की आवाज सुनाई दी। यस क्या रिपोर्ट है? जेम्स ने कहा, दोनों भी जिंदा हैं और पहाड़पुर के इलाके में ही हैं, लेकिन कहाँ है ये मालूम नहीं हो सका। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा, ये बात तो तय है ना कि वो जिंदा है? जेम्स ने पुरजोश लहजे में कहा, यस सर 100% तय है। अब से 20 मिनट पहले तक वो जिंदा थे, यकीनन अब भी होंगे। जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा, ओके तुम मुस्तकिल उन्हें चेक करते रहो और रोजाना की बुनियाद पर मुझे रिपोर्ट देते रहो, तुम्हें तुम्हारा मुआवजा बाकायदगी से मिलता रहेगा। जेम्स ने कहा, ओके सर। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो जेम्स ने रिसीवर रखा और इंटरकॉम पर उसने अपने स्टेनोग्राफर को कॉल किया और उसे रिपोर्ट लिखवानी शुरू कर दी ताकि ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को भिजवाई जा सके। उसमें उसने बाटले और पामेला के जिंदा होने के साथ साथ उनकी महारत और आला कारकर्दगी का भी जिक्र करते हुए ये नतीजा निकाला कि बाटले और पामेला ऐसे सुपर एजेंट्स हैं जो आसानी से मार नहीं खा सकते, इसलिए वो लाजमन पारस लेबोरेटरी को तबाह करके ही वापस आएंगे और ये भी तय है कि वो अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ेंगे। खौफनाक धमाके और कड़कड़ाहट की तेज आवाजों के साथ ही इमरान के जहन में यही ख्याल उभरा था कि वो हिट हो गए हैं। जाहिर है इस कदर भारी चट्टानों के उन पर गिरने के बाद उनका खात्मा यकीनी था। ये ख्याल आते ही उसके जहन पर तारीकी पहलते चली गई, लेकिन जिस कदर तेजी से ऐसा हुआ था उससे ज्यादा तेज रफ्तारी से उनके जहन पर छाई हुई तारीकी रोशनी में पहलती चली गई। इमरान साहब हम आजाद हो गए, सफदर की आवाज इमरान के कानों में पड़ी तो वो एक झटके से उठकर बैठ गया। बॉस मैंने रेस पिचर की मदद से न सिर्फ दोनों चट्टानों को हटा दिया है बल्कि बैरूनी रास्ते पर आ जाने वाली भारी चट्टानें भी हटा दी हैं। टाइगर की आवाज सुनाई दी तो इमरान का शऊर पूरी तरह बेदार हो गया। तो ये गड़गड़ाहट और धमाके रेस पिचर के थे, लेकिन बाटले से तो रेस पिचर ऑपरेट न हो सका था। तुमने कैसे ऑपरेट कर लिया? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में कहा। रेस पिचर को दो बड़े पुश के बाद वक्फा देना पड़ता है और ये वक्फा 10 मिनट होता है, जबकि बाटले को इस बारे में मालूम न था। उसने दो बड़े पुश करने के बाद 10 मिनट से पहले ही तीसरा पुश करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहा। मुझे इस बारे में मालूम था,
मैंने वक्फे के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल कर लिया। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, गुड टाइगर, वेरी गुड। इमरान ने उसके कांधे पर थपकी देते हुए कहा तो टाइगर का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। थैंक्स बॉस, टाइगर ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, ये एडन और टोनी तो हलाक हो चुके हैं, जबकि बाटले और ये औरत पामेला अभी जिंदा है, इनका क्या करना है? सफदर ने कहा। उन दोनों लाशों को उठाकर बाहर लास्ट स्टॉप पर ले जाओ, जबकि उन दोनों को मशीनी तौर पर जिंदा रखना है, इमरान ने कहा। तो टाइगर समय सब चौंक पड़े। मशीनी तौर पर जिंदा रखना है, इसका क्या मतलब हुआ इमरान साहब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले मैं काम मुकम्मल कर लूं, फिर तफसील से बात होगी, इमरान ने कहा। और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर वो बाटले की तरफ बढ़ गया। उसने उसके बाजू पर एक जगह क्रॉस डाला तो सफदर, कैप्टन शकील और टाइगर बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि क्रॉस के नीचे नीले रंग का एक बटन नजर आ रहा था। इमरान ने खंजर की नोक को उस बटन के दरमियान में रखकर उसे मखसूस अंदाज में झटका देकर ऊपर को उठाया तो हल्की सी कटाक की आवाज सुनाई दी। इमरान ने खंजर एक तरफ रखा और फिर उस जख्म पर अंगूठा रखकर उसे दाएं बाएं घुमाकर अंगूठा उठाकर बाटले के लिबास से साफ किया और फिर खंजर उठाकर वो पामेला की तरफ बढ़ गया। पामेला के बाजू पर भी क्रॉस कट लगाकर उसने वही कार्रवाई की जो बाटले के साथ की थी। ये आप क्या कर रहे हैं बॉस? टाइगर ने कहा। ये हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट है और हार्ट एजेंसी के तमाम सुपर एजेंट्स ग्रेट लैंड के एक मखसूस सैटेलाइट के साथ लिंक्ड रहते हैं। उस सैटेलाइट को वर्ल्ड लिंक कहा जाता है। एडन और टोनी तो हलाक हो गए, लेकिन बाटले और पामेला अभी जिंदा है, इसलिए मैंने वर्ल्ड लिंक के मखसूस बटन को जिंदा पर फिक्स कर दिया है। अब सैटेलाइट की मदद से जब भी मालूम हासिल की जाएगी, बाटले और पामेला की तरफ से जिंदा होने का कौशन नहीं मिलेगा। इमरान ने खंजर को पामेला के लिबास से साफ करके वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा। तो क्या आप इन्हें जिंदा रखेंगे? सदर ने कहा। नहीं, इन्हें तो हर हाल में मरना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर जफर को हलाक किया है, इमरान ने उठते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर जफर ने तो शायद लालच के बिना पर यह सब कुछ किया है, सफदर ने कहा। जो कुछ भी है, इन्हें हलाक तो होना पड़ेगा। अलबत्ता मुझे बाटले से हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर की तफसीलात मालूम करनी है, क्योंकि जब तक हार्ट एजेंसी का हेडक्वार्टर तबाह नहीं होगा, ये पारस लेबोरेटरी के पीछे लगे रहेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन ये तो सुपर एजेंट है इमरान साहब, ये आसानी से तो कुछ नहीं बताएगा, क्या आप इसके नतने काटेंगे? सफदर ने कहा। नहीं, ये अपना लाशऊर ब्लैंक कर लेगा, मुझे ITE के तहत सब कुछ मालूम करना होगा, इमरान ने कहा। और फिर उसने बाटले को उठाकर एक दीवार के साथ इस तरह लगाकर बिठा दिया कि वो साइडों पर ना गिर सके और ना ही फौरन उठकर हमला कर सके। उसके बाद इमरान ने पामेला को भी बाटले की तरह एक चट्टान के साथ लगाकर बिठा दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर बाटले की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब बाटले के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हुए तो इमरान ने हाथ हटा लिए। चंद लम्हों बाद बाटले कराहता हुआ होश में आ गया, अलबत्ता जेब से खंजर निकालकर इमरान ने हाथ में पकड़ लिया था। तुम इमरान हो, तुम, ये मैं, बाटले ने कराहते हुए लहजे में कहा। तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो, इसलिए मुझे कोई हैरत नहीं हुई, अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम्हारी आंखों का रंग क्यों बदल गया है। पहले तो सब्ज थी, अब सिया क्यों हो गई है? गिरगिट का तो जिस्म रंग बदलता है, तुम्हारी आंखें रंग बदलती है, इमरान ने कहा। तो बाटले बेख्तियार चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं है, बाटले ने कहा। देखो मेरी तरफ गौर से देखो, इमरान ने कहा। तो बाटले ने लाशौरी तौर पर इमरान की आंखों में आंखें डाल दी और फिर वो दोनों इस तरह एक दूसरे को देखने लगे जैसे दोनों के दरमियान पलके ना झपकाने की शर्त लग गई हो। फिर कुछ देर बाद अचानक इमरान ने झटके से आंखें फेर ली और फिर आंखें बंद करके कुछ देर तक उन पर हाथ फेरता रहा। सहराय गाबी की जो सैटेलाइट निगरानी करता है, उसका कंट्रोलिंग ऑफिस कहाँ है, इमरान ने अचानक कहा। ब्रिस्टल, बाटले के मुंह से इस तरह निकला जैसे उसके मुंह से लफ्ज खुद ब खुद फिसल कर बाहर आ गया हो। ओके, अब तुम दोनों आराम करो, तुमने बहुत काम कर लिया है, इमरान ने कहा। और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद खंजर हवा में उड़ता हुआ सीधा बाटले के सीने में घुसता चला गया। बाटले के हलक से चीख निकली और वो झटका खाकर साइड के बल नीचे गिर गया और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। दिल में उतर जाने वाले खंजर ने उसे ज्यादा तड़पने की भी मोहलत ना दी थी। इमरान ने बाटले के जिस्म से खंजर खींचकर बाहर निकाला और पामेला की तरफ बढ़ गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गया क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी। इमरान साहब, क्या बाटले से जो मालूम करना चाहते थे वो मालूम हो गया है या नहीं? सफदर ने कहा। हाँ, जो कुछ ये जानता था वो सब मालूम हो गया है, इमरान ने कहा। और सफदर ने अजबात में सर हिला दिया। फिर इमरान के कहने पर बाटले और पामेला दोनों की लाशें उस कमरा नुमा कार के दाएं तरफ वहां के एक घर में ले जाकर एक गहरी खाई में फेंक दी गई
और उन पर पत्थर डालकर उन्हें छुपा दिया गया। अब ये लाशें आसानी से चेक ना हो सकती थी। इमरान साहब, आपने जो कुछ किया है मेरी समझ में तो नहीं आया। कैप्टन शकील ने कंधे पर एडन की लाश उठाई हुई थी, इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान की रहनुमाई में सफदर और कैप्टन शकील टोनी और एडन की लाशें उठाए चल रहे थे, जबकि सबसे आखिर में टाइगर था। चूंकि टाइगर ने रेस पेशर की मदद से वापसी के रास्ते को बंद कर देने वाली चट्टान को हटा दिया था, इसलिए वो सब वापस लास्ट स्टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने पहले भी बताया था कि हार्ट एजेंसी के तमाम सुपर एजेंट्स का लिंक मुस्तकिल तौर पर ग्रेट लैंड की एक तंसीम वर्ल्ड लिंक से रखा गया है। हर एजेंट के बाजू की खाल के नीचे मखसूस बटन लगाया गया है जो उसके दिल की धड़कन के साथ काम करता है। जब तक आदमी जिंदा होता है उसके दिल की धड़कन का पता वर्ल्ड लिंक को उन बटनों के जरिए होता रहता है। जब आदमी मर जाता है तो ये आलात बता देते हैं कि आदमी मर चुका है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर आपने उन बटनों के साथ ऐसा क्या किया है कि बाटलर और पामेला के मरने के बावजूद वो उन्हें जिंदा जाहिर करेंगे, सफदर ने कहा, तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। दिल की धड़कन का असर उस बटन के मखसूस हिस्से में लर्जिश के से अंदाज में होता है। जब दिल की धड़कन बंद हो जाए तो ये लर्जिश खत्म हो जाती है, लेकिन उस बटन के अंदर एक ऐसी बैटरी मौजूद है जो बेहद छोटी होने के बावजूद तवील अरसे तक उस बटन की कारकर्दगी को कायम रखती है। मैंने उस बैटरी का लिंक बटन के उस हिस्से से जोड़ दिया है जिसके जरिए इंसान के जिंदा होने या मर जाने के बारे में पता चलता है। चुनांचे अब चाहे बाटले और पामेला मर भी चुके हैं, लेकिन तवील अरसे तक उस बैटरी से होने वाली मखसूस लर्जिश उन दोनों को जिंदा जाहिर करेगी, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा, सफदर ने कहा। हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट्स दो चार अफराद नहीं होते, काफी तादाद में होते हैं। अगर एक ग्रुप का खात्मा हो जाए तो दूसरा सामने आ जाता है। पारस लेबोरेटरी में सुपर हॉक मिसाइल तैयार हो रहे हैं जिन पर ग्रेट लैंड भी काम कर रहा है। वो नहीं चाहते कि उनसे पहले पाकिशा और शुक्रान सुपर हॉक मिसाइल तैयार कर ले, चुनांचे वो पारस लेबोरेटरी को तबाह करना चाहते हैं। बाटले उनका सीनियर तरीन सुपर एजेंट है, ये तो अल्लाह ताला का क्रम है कि उसने हमें कामयाबी दी और बाटले और उसके साथी खत्म हो गए। लेकिन अगर हार्ट एजेंसी तक ये रिपोर्ट पहुंच जाए कि बाटले और उसके साथी हलाक हो चुके हैं तो वो फौरन दूसरा ग्रुप भेज देंगे, और ये जरूरी नहीं कि दूसरे ग्रुप के बारे में भी हमें किसी जरिए से इत्तला मिल सके। अलबत्ता एडन और टोनी की लाशें उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन बाटले और पामेला की लाशें ना मिलेंगी, अब ना ही उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट मिलेगी। तो लाजमन हार्ट एजेंसी का चीफ वर्ल्ड लिंक के जरिए मालूम करेगा कि क्या वो दोनों जिंदा भी है या नहीं, और उसे यही रिपोर्ट मिलेगी कि वो दोनों जिंदा है तो वो मुतमईन हो जाएगा और दूसरा ग्रुप नहीं भेजेगा। इस दौरान हम हार्ट एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएंगे और फिर न होगी हार्ट एजेंसी और न मजीद ये खेल खेला जाएगा। और फिर जब तक नया सेटअप वजूद में आएगा तब तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। आप वाकई बहुत गहराई में सोचते हैं इमरान साहब, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए तो तुम्हारा नकाबपोश बड़ा चेक नहीं देता कि कहीं मैंने लंबा गोता लगा लिया तो शायद फिर वापसी ना हो सके, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े।